श्री भगवंत मान। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। जो ये कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का बिल, उसमें अमेंडमेंट का बिल आया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ। खुद भी हम ये बात अक्सर स्टेज पर या जहाँ भी लोगों में जाते हैं ये बोलते हैं कि ये कैसा कानून बना दिया गया कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना। पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। अगर ये पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है तो उस पर थोड़ा मेहनत की जा सकती है, उस सब्जेक्ट पर। लेकिन जब आठवीं कक्षा तक बच्चे को भी पता है मैं फेल ही नहीं हो रहा, तो उस पर कोई बर्डन नहीं है ऐसा। जब नौवीं कक्षा में अचानक से वो बोर्ड का एग्जाम देता है तो 90% से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पहले एग्जाम को इतना सीरियस नहीं लिया होता। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ माननीय मंत्री जी। अभी नाइन्थ कक्षा के जब एग्जाम हुए तो मूल्यांकन के लिए जब आंसर शीट गई तो एक बच्चे ने इंग्लिश के, पंजाब में ये घटना हुई, एक बच्चे ने इंग्लिश के एग्जाम जो आंसर शीट है उसमें पंजाबी में एक छोटा सा नोट लिखा जो बहुत ही टचिंग था। जो एग्जामिनर था जो मूल्यांकन कर रहा था उसने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया। उसने कहा कि जो मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं इस नोट के जरिए बताना चाहता हूँ कि जब हमको पढ़ाना चाहिए था तब हमें पढ़ाया नहीं गया, जब हमको पढ़ना चाहिए था तब हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें पास कर दिया गया। अब अचानक से आप बोल रहे हैं कि बहुत सख्त तो एग्जाम आ रहे हैं। मैं ये नहीं लिख रहा कि मुझे पास कर दिया जाए, लेकिन मैं ये लिख रहा हूं कि मुझे इंग्लिश ना लिखनी आती है, ना बोलनी आती है, ना समझनी आती है। इसलिए मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब औरों की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। हमें हमारा एग्जाम लो, हमें पता चले कि हम मूल्यांकन बहुत जरूरी है। सर, किसान भी खेत में जाके देखता है मेरी फसल जो है वो किस हालत में है, इसको कौन सी खाद देनी चाहिए। माँ भी जब खाना बनाती है तो बार बार चेक करती है कि कितनी पक गई है, कितनी आग की जरूरत है। तो मूल्यांकन तो बहुत जरूरी है। मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ, लेकिन मुझे पता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के पढ़ाई के लेवल में बहुत अंतर है। सर, बहुत अंतर है सरकारी स्कूल की पढ़ाई में और प्राइवेट स्कूलों के लेवल में बहुत अंतर है। उस लेवल की वजह से जो थोड़ा बहुत भी कमाने लगता है सबसे पहला काम यही करता है कि हमारी जिंदगी तो चलो जैसे वैसे कट जाएगी, बच्चों की जिंदगी बना दे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। वो प्राउड फील करते हैं मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में, मैं नहीं कहता कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक उनमें कोई कमी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हर रोज हमारे पास एमपी लैड से पैसे लेने आते हैं, स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच नहीं है जी, कमरा छत जो है गिरने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। हम हर रोज उसके लिए एमपी लैड से पैसे भी देते हैं। 14,000 पोस्ट पंजाब में टीचरों की खाली है जी, 14,000। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि पंजाब में टीचर नहीं है। टेट पास टीचर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास टीचर हमारे पास बहुत ही टफ टेस्ट है, वो आईएएस लेवल का टेस्ट है। उसको पास करने के बावजूद वो धरने दे रहे हैं, वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो बेरोजगार हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो पोस्ट जो सरकारी स्कूलों की पोस्ट जो वो पूरी की जाए। नंबर दो पे जो मातृभाषा है स्कूलों में, कम से कम मां बोली बोलते पंजाबी में, मातृभाषा और गणित, मातृभाषा और मैथ, पांचवी तक अगर इस पर जोर दे दिया जाए तो आगे वो बच्चा साइंस, सोशल स्टडी, हिस्ट्री उसको पिक कर लेगा। लेकिन मातृभाषा और साइंस मैथ पर जोर बहुत जरूरी है। और दुख की बात यह है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल पंजाब में ऐसे हैं जो सीबीएसई से रिलेटेड हैं, वहां पंजाबी बोलने पर अगर बच्चा पकड़ा जाए तो जुर्माना होता है। सर, मैं हैरान हूं इस बात से। मैं आपको स्कूलों के नाम भी दे सकता हूं मंत्री जी। तो पंजाबी बोलने पर जुर्माना होता है, मातृभाषा
उसी उसी स्टेट का पानी पी रहे हैं, उसी स्टेट का खाना खा रहे हैं, उसी स्टेट की बोली बोलने पर जुर्माना होता है। मैं आपको लिख के दूंगा। और एजुकेशन का ले, और वहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स को अपडेट नहीं करेंगे, उनके साथ व्यवहार नहीं होगा अच्छा, तो वो नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो टीचर्स की ट्रेनिंग समय समय बाद उनको अपडेट करना ये बहुत जरूरी है। और मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे इस बात का पता है, टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है पढ़ाने की, आखिरी बात है सर, टीचर को तनख्वाह दी जाती है पढ़ाने की, लेकिन शिक्षा के अलावा, शिक्षा के बिना बाकी सारे काम लिए जाते हैं। जनसंख्या टीचर करेंगे, मतगणना टीचरों ने करनी है, इलेक्शन आ गए टीचर आ, और अगर आपने बालक शिक्षा टीचर करेंगे, और काउंटिंग करनी, 15 अगस्त मनाना है टीचरों की ड्यूटी, 26 जनवरी मनानी है टीचरों की ड्यूटी, तो कम से कम ये काम किसी और कॉन्ट्रैक्ट बेस जो ये जनगणना वगैरह ये और भी बेरोजगार लोगों से कराए जा सकते हैं। आखिर में ये भी नहीं है, कीचड़ में गुलाब भी उगे हुए हैं। एक स्कूल ऐसा है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, रत्तो के गांव है, जो सरकारी स्कूल है, मंत्री साहब रात के 8 बजे तक वो सरकारी स्कूल चलता है। मैं देखने के लिए गया, वो हेडमास्टर इतना अच्छा है, 2 बजे के बाद वो उन बच्चों को बुलाता है जो वहां स्कूल से पढ़ के गए हैं लेकिन कमजोर हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं या उनको ट्यूशन देते हैं फ्री में। तो ऐसा, ऐसे स्कूलों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। और मैं आपको ये बधाई भी देता हूँ कि 5वीं का और 8वीं का अगर टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चे और अच्छे तरीके से आगे जाके देश का नाम रोशन करेंगे सर। थैंक यू सर।